वक्त जिस शायर को हुजूर चल रहा हूँ, इलाहाबाद फूलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ हमारा मेहमान शायर है। और कमाल की बात तो ये है कि हुकूमती अदारे में काम करते हुए कौमी यकजहती की बात कर रहा है, ये हमारे लिए एहसास की बात है। शबरंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए, तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुजदिलों को उतर जाने दीजिए। बेहतरीन पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। मैं भाई मखदूम फूलपुरी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं कि सर दे दिया जबान को रुसवा नहीं किया, सर दे दिया जबान को रुसवा नहीं किया, हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। हुकूमत के साथ साथ कौमी यकजहती का परचम लेकर चलने वाला शायर ये खुश नवा मोहतरम मखदूम फूलपुरी साहब महफिल मुशारा में अपना कलाम पेश करने जा रहे हैं। भाई उमर जलाल साहब, हमारे हसीन साहब मुश्ताक भाई, आजम भाई से गुजारिश है बगौर तवज्जो आप समाप्त करें। इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत शायर और बेहतरीन इंसान मोहतरम मखदूम फूलपुरी साहब माइक पर आपके दरमियान। मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ कि अभी अभी मुखालिफ हक हैं गुमान में रखना। क्या बात है भाई दोस्त, एक एक मिसरा कहने में घंटों बीत जाते हैं, आपकी तालियां बजती हैं तो लगता है करोड़ों रुपए दे दिए। मैं पेश कर रहा हूँ कि अभी मुखालिफ हक हैं गुमान में रखना, अभी ना अज्म का खंजर म्यान में रखना। बहुत अच्छे मतलब। अभी ना अज्म का खंजर म्यान में रखना, वतन की जीनत अजमत हमी से कायम है। अगर शेर सच्चा हो तो सबकी तालियां आए। बहुत अच्छे कि वतन की जीनत अजमत हमी से कायम है, हमें संभाल के हिंदुस्तान में रखना। इस शेर पर दाद देनी चाहिए थी आपको, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अच्छी शायरी पर जागरूक रहें, बेदार रहें और आप शायर की शायरी का मजा लें और हक पसंदी के साथ मुशायरे में बैठे साहब। और दोस्तों देखिए एक मतलब दो तीन शेर कि सुकून देना मगर बेहिसाब मत देना, सुकून देना मगर बेहिसाब मत देना, बगैर कांटों के मुझको गुलाब मत देना, बगैर कांटों के मुझको गुलाब मत देना, और दिलो दिमाग में भर दे जो आग नफरत की, कभी भी बच्चों को ऐसी किताब मत देना। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। इससे इसको फिर से पढ़िए। तीरथ यादव जी यहाँ तशरीफ लाए आप, इतने अच्छे शेर पर तो आपको उठना चाहिए था दोस्तों। तीरथ यादव साहब की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ कि कभी भी बच्चों को ऐसी किताब मत देना, एक ऐसा शेर जो आज के मुशायरे की हेडलाइन भी बन सकता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा मखदूम भाई, वो शेर फिर से पढ़िएगा। जहे नसीब जिंदाबाद जिंदाबाद। के सुकून देना मगर बेहिसाब मत देना, बगैर कांटों के मुझको गुलाब मत देना, और दिलो दिमाग में भर दे जो आग नफरत की, कभी भी बच्चों को ऐसी किताब मत देना। और नौजवान दोस्त ये शेर नोट कर लें कि जवाब देने में माहिर हो मानता हूँ मैं, जवाब देने में माहिर हो मानता हूँ मैं, मगर बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना। वाह 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 वाह, नौशाद प्रताप गढ़ी इस्तकबाल करते हुए भाई। वाह वाह मखदूम भाई जिंदाबाद। के जवाब देने में दोस्तों शेर अच्छा लगे तो तालियां भी आजती रहें, हौसला बढ़ता रहेगा। कि जवाब देने में माहिर हो मानता हूं मैं, मगर बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना। और देखिए कि जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है, जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है, जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। और सियासत थी कभी छप्पर में अब बंगले में रहती है, सियासत थी कभी छप्पर में अब बंगले में रहती है। और नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है। वाह वाह शायरी हो रही है, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, मखदूम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ कि गम के दरियाओं को खुशियों की रवानी देना, गम के दरियाओं को खुशियों की रवानी। पूरे महफिल में अगर एक शख्स ने भी अमल कर लिया तो आज यह मुशायरा कामयाब माना जाएगा। तीरथ जी आपका पैगाम
कि गम के दरियाओं को खुशियों की रवानी देना, अहले नफरत को मोहब्बत की निशानी देना, अहले नफरत को मोहब्बत की निशानी देना। और दोस्तों दो मिसरों पर सबके हाथ खुले, पूछना बाद में, पूछना बाद में, ऐ दोस्त तो उसका मजहब है, अगर प्यासा तो पहले उसे पानी। वाह 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 वाह। अब्दुल बारी अंसारी साहब, बिहारी लाल अंबर साहब, हमारे हैदर भाई, मैं उमर जलाल साहब से गुजारिश करूंगा मेरे बिरादर मोहतरम कि इतने अच्छे शेर पर आप नसीहत आमे शेर पर, भाई मखदूम इसे फिर से पढ़िएगा, इतना पढ़ो कि पूरे हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन बन जाए, चार मिसरा पढ़िए। शुक्रिया। हाय हाय वाह वाह वाह। मैं चार मिसरे फिर हाजिर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ कि तालियां उतनी ही आए और उससे ज्यादा आए। कि गम के दरियाओं को खुशियों की रवानी देना, अहले नफरत को मोहब्बत की निशानी देना, पूछना बाद में, ऐ दोस्त तो उसका मजहब है, अगर प्यासा तो पहले उसे पानी देना। वाह वाह वाह। शुक्रिया। है अगर प्यासा तो पहले उसे पानी देना। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, तुम भाई वाह वाह। देखिएगा कि न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता। दोस्तों हमारे मजहब में लिखा है, हम जिस मुल्क में रहते हैं अगर उस मुल्क की मिट्टी से प्यार नहीं है तो हमारा ईमान अधूरा है, हम पूरी तरह मुसलमान नहीं हो सकते अगर सीने में देश की मोहब्बत नहीं है। मैं पेश कर रहा हूँ कि न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, जो कांटों से भरा हो वो गुलिस्ता हो नहीं सकता। और दोस्तों तीरथ यादव जी, मैं दावे के साथ ये शेर पढ़ता हूँ आपकी मौजूदगी में, कि भरा हो जो भी कांटों से गुलिस्ता हो नहीं सकता, यहाँ रह कर लगाता है जो पाकिस्तान का नारा, मेरा दावा है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल करें, पुरजोर ताली बजाएं। अहलिया ने मुवायमा को मुबारकबाद अच्छी शायरी समाप्त करने पर, बिलखसूस नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जाता है। मेरे बिरादर मोहतरम मोहतरम मखदूम फुलपुरी साहब माइक पर, मेरा दावा है वो हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता। दोबारा फिर तालियों से हौसला दे, मैं पढ़ता हूँ। ये हुई बात, शहीद पत्रकार साहब का खूबसूरत मुशायरा। शहीद भाई देखिएगा, न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, जो कांटों से भरा हो वो गुलिस्ता हो नहीं सकता, यहाँ रह कर लगाता है जो पाकिस्तान का नारा, मेरा दावा है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। बहुत अच्छे भाई तीरथ यादव जी, सामाजिक कारसेवक इस्तकबाल करते हुए। और मैं आपको बता दूं, जो नोटें पहुंच रही है वो छोटी नोट नहीं है, सब बड़ी नोट है, इस बात को आप नोट करें। और दोस्तों चार मिसरे और पेश कर रहा हूं, नौजवानों ये बात नोट कर लेना अपने जहन में कि हमारे होठों पर जय हिंद के पुरजोश नारे थे। वाह, ये खास लाइनें साहिब भाई आपके हवाले से, नौजवानों इस जहन को बसा लीजिएगा कि हमारे होठों पे जय हिंद के पुरजोश नारे थे, हमीने सर जमीने हिंद की जुल्फे संवारे थे। और दोस्तों ये दो मिसरों पर हाथ खुले, हमीने सर जमीने हिंद की जुल्फे संवारे थे, यहाँ जो आज नाटक कर रहे हैं देश भक्ति का।
यहाँ जो आज नाटक कर रहे हैं देश भक्ति का, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, यही गांधी को मारे थे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसूद दर्द साहब इस्तकबाल करते हुए, मुजाहिद लालटेन साहब, हमारे बुजुर्ग शायर रजाक भाई लालटेन साहब इस्तकबाल करते हुए। बड़ी बात है, बड़ी बात है दोस्तों। आप अच्छी बात का इस्तकबाल होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में हो। इसे दोबारा पढ़ दीजिएगा जनाब, नवाजिश हो गया। पढ़िए अहले मुवायमा की फरमाइश, ये जहन में बसा लीजिए। ये बहुत, आ जाइए भाई, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाए। यही तो इस समय टाइम से यही आए, हम लोग पहले आ गए थे। वो बड़े हैं जरा, बड़े मेहमान। देखिएगा कि हमारे होंठों पे जय हिंद के पुरजोश नारे थे। क्या बात दोस्तों, बड़ी तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ में शहीदों का एक शिलालेख लिखा गया, एक पिलर बनाया गया जिसमें तमाम शहीदों के नाम लिखे गए छत्तीसगढ़ में, लेकिन वीर अब्दुल हमीद का नाम गायब कर दिया गया उस शिलालेख से। मुझे तकलीफ होती है, मैं पेश करता हूँ कि हमारे होंठों पर जय हिंद के पुरजोश नारे थे, हमी ने सर जमीन हिंद की जुल्फे सवारे थे, यहाँ जो आज नाटक कर रहे हैं देश भक्ति का, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, यही गांधी को मारे थे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। और दोस्तों चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि शुक्रिया भाई। और ये तीरथ जी बैठे हैं, तीरथ यादव जी, चार मिसरे इनके हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तीरथ यादव जी कि दिल की रेदा बचाओ अदावत के दाग से, रिदा कहते हैं चादर को, अदावत दुश्मनी। मैं पेश कर रहा हूँ तीरथ जी आपकी खिदमत में, तमाम मुवायमा वालों के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ जी भाई, पेश कि दिल की रिदा बचाओ अदावत के दाग से, हर सू उजाला कर दो वफा के चराग से। और दुआएं चाहता हूँ दो मिसरों पर, होटल मिलन में आओ पिए काफी प्यार की, देखिएगा होटल मिलन में आओ पिए काफी प्यार की, हम अल्लाहपुर से चले तुम राम बाग से। है वाह 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 वाह, हम अल्लाहपुर से चले, अख्तर इलाहाबादी साहब इस्तकबाल कर बाग से। बहुत अच्छे और भाई, दोस्तों जाते जाते मुझे ये हुक्म हुआ है जी भाई, पढ़े मैं वो नज्म दो तीन बंद पढ़ के मैं रुक सकूंगा जी भाई, इजाजत है, पढ़िए। प्यार कर रहे हैं लोग, अच्छी बात को समाप्त भी करना चाहिए, ये ना देखे कि कौन कह रहा है, ये देखिए कि क्या कह रहा है। अरे सईद भाई का हुक्म हो रहा है, हमारे एक दोस्त ने भी फरमाइश की कि वो चिड़िया वाला शेर पढ़ दीजिए भाई, जिससे हमारी पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर पहचान बनी। जी भाई जी भाई, पढ़िए पढ़िए। देखिएगा, सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना, कभी भी दामन दिल दाग दार मत करना, जमाने वाले बहादुर नहीं कहेंगे तुम्हें, जो सो रहा हो कभी उस पे वार मत करना। वाह वाह वाह, जो सो रहा हो कभी उस पे वार मत करना। और दोस्तों ये शेर, अगर हो सच्चे सिपाही तो अपने दम पे लड़ो, अगर हो सच्चे सिपाही तो अपने दम पे, अगर हो सच्चे सिपाही तो अपने दम पे लड़ो, उधार मांग के तलवार वार मत करना। वाह वाह वाह, उधार मांग के तलवार वार मत करना। सईद भाई देखिएगा, उसे डुबोने की आती है खूब तरकीब में, उसे डुबोने की आती है खूब
तरकीबें, तुम अपनी नाव में उसको सवार मत करना। वाह वाह वाह, तुम अपनी नाव में उसको सवार मत करना। और वो शेर जिसके लिए हुक्म हुआ कि दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, तुम ऐसे वक्त में उसका शिकार मत कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं जाते जाते एक मतलब बंद दो बंद पर रुखसत हो रहा हूँ। आप लोग तालियों से मुझे हौसला दीजिए, एक बार तालियों से मुझे हौसला दें, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें मोहतरम मखदूम फूलपुरी साहब का। देश और देश के बाहर भी पहुंचने वाली खूबसूरत आवाज आपके सामने जी। यही करता हूं मैं ऐलान, हमारा साथ दीजिएगा। अब बड़े जज्बे बड़े ईमान के साथ ये शेर पढ़ रहा हूं। यही करता हूं मैं ऐलान, करे जो भारत का अपमान वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे। वाह 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 वाह। हालांकि ये नज्म की नकल कर एक हिंदुस्तान का शायर पढ़ रहा है, जहां मैं रहता हूं मेरा नाम लेके पढ़ता है कि मखदूम से इस्तेफादा किया है। देखा, यही करता हूँ मैं ऐलान, करे जो भारत का अपमान वो मेरा देश छोड़ दे, वो और देशो बन। ये देश है तुलसी मीरा का, गालिब इकबाल निराला का, ऋषियों वलियों का देश है ये देश है मेरे ख्वाजा का। न हो जिसमें इसका सम्मान, न हो जिसमें इसका सम्मान, कहे उससे टीपू सुल्तान वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़। और दोस्तों एक बंद और पढ़ रहा हूँ, देखिएगा देखिएगा जी। और एक बंद और पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, कहती है भगत सिंह की टोली, बिस्मिल ने ज़बान अपनी खोली, भारत की बस जय जय बोली, आजाद की पिस्टल की गोली, बसा के मन में हिंदुस्तान, बसा के मन में हिंदुस्तान, ये बोले अशफाकुल्ला खान वो मेरा देश छोड़ दे। वाह 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 वा, वा।